Hello everyone, welcome to my channel. I hope you all are doing good. You are studying well for your exams. आज हम लोग करने वाले हैं important topics in physical chemistry. सारे important topics देखेंगे physical chemistry के अंदर जितने भी हैं उन्हें इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं. यह टेलीग्राम ग्रुप है, इस पर आपको PDFs और जो है सारी information कन्वे हो जाती है, तो इसे ज्वाइन कर लेना याद से. देखो यह हमारा सिलेबस है. इस वीडियो में हम लोग फिजिकल देखेंगे, देन अगली वीडियो में इनऑर्गेनिक और लास्ट वीडियो में हम ऑर्गेनिक के मस्ट टू चैप्टर्स देखेंगे कि हमें जो करके करके जाना है जो पार्ट और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं. ठीक है, तो देखो पहले आ जाता है सॉल्यूशंस पे आ जाते हैं. सबसे पहले सॉल्यूशंस में जो सबसे ज्यादा जो पहली चीज पढ़ के जानी है वो है हेनरीज लॉ के बारे में. हेनरीज लॉ पर रीजनिंग आती है, बात खत्म. हेनरीज लॉ की स्टेटमेंट फॉर्मूला और इसकी रीजनिंग देखनी है, क्योंकि इसकी रीजनिंग आती है स्कूबा डाइविंग वाली. ठीक है, और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह वाली सॉल्युबिलिटी के बेसिस पर जितनी भी रीजनिंग होगी वो हेनरीज लॉ पर आती है. रॉल्ट्स लॉ की स्टेटमेंट पढ़ के जानी है. ठीक है, और रॉल्ट्स लॉ का फॉर्मूला और उसके बारे में पढ़ के जाना है, उसके ग्राफ पढ़ के जाने हैं. एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स में ज्यादा कुछ नहीं याद करना, बस कॉन्स्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स होते हैं और 68% कौन सा वाला होता है, ये सब चीजें याद करके जानी है कि 68% वाला कौन सा एजियोट्रॉप होता है, ये सब याद करके जाना है. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की डेफिनेशन, उसके बाद चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ के जाने हैं. रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट और आपका ऑस्मोटिक प्रेशर, चारों पढ़ के जानी है. चारों की आपको डेफिनेशन आनी चाहिए, चारों को आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आना चाहिए और न्यूमेरिकल चारों के प्रैक्टिस करके जाने हैं. इतना काम आपको करना ही करना है, क्योंकि इसमें आप लीव कर ही नहीं सकते, इससे बच ही नहीं पाओगे, इसमें से किसी ना किसी पर क्वेश्चन फंस जाएगा. तो देखो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट और इनकी यूनिट्स देख के जाना. ठीक है, केवी और के जो आपका केएफ, इनकी यूनिट्स देख के जाना. साथ ही साथ डेल्टा टीबी और डेल्टा टीएफ किस तरह से निकाल के हैं, इस पर भी न्यूमेरिकल करके जाना. मैंने सेशन लिए हुए हैं आपके, हर चीज के सेशन है, फिजिकल केमिस्ट्री का सेशन लिया हुआ है मैंने, सारे चैप्टर्स पढ़ाए हुए हैं, तीनों के तीनों अलग अलग सेशन पढ़े हैं और तीनों चैप्टर्स की एक मिक्स्ड क्वेश्चन की एक सीरीज, उसका वो भी जो है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो भी करा रखे हैं मैंने, मेरी तरफ से कोई कमी नहीं है, आप देख सकते हो. ठीक है, उसके बाद आपका ऑस्मोटिक प्रेशर. ऑस्मोटिक प्रेशर में ये तो कर ही लोगे कि पाई इक्वल टू सीआरटी वाले फॉर्मूला. उसके बाद आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ के जाना है. ठीक है, ये सबसे ये इसमें इंपॉर्टेंट है. उसके बाद रिलेटिव मॉलिकुलर मास के बारे में पढ़ के जाना है. क्या चीज पढ़ के जानी है, तो यहाँ पर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, जिसमें आपको सबसे फेमस एग्जांपल है एसिटिक एसिड का, ये इसमें आपको आई का डिटरमिनेशन आना चाहिए कि आई किस तरह से निकालते हैं, नॉर्मल मॉलिकुलर मास, ऑब्जर्व्ड मॉलिकुलर मास, इसके बेसिस पर इस पर क्वेश्चन आता है. ठीक है, और वेंट ऑफ वेक्टर को किस तरह से हम यूज करते हैं एग्जाम इसमें, साथ ही साथ एग्जाम में दे देता है अल्फा को मिला के क्वेश्चन में दे देता है, वो आपको करके जाना है इस चैप्टर के अंदर. ठीक है, तो अगर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करूं तो हेनरीज लॉ, उसका एप्लीकेशन और उसकी रीजनिंग, आपके एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स की सिर्फ डेफिनेशन, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की जो है डेफिनेशन, उनके एक्सप्रेशन और उनके यूनिट्स वगैरह, ये सब ध्यान में रखने हैं. अगर इस चारों में सबसे इंपॉर्टेंट बोलूँ मैं, तो चारों में सबसे इंपॉर्टेंट है आपके एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट. इनमें से दोनों में से किसी एक पर क्वेश्चन आएगा और बच्चे ए और डी, इनमें से किसी एक पर क्वेश्चन आएगा, मिला के किसके साथ, इसके साथ वेंट ऑफ फैक्टर के साथ मिला के क्वेश्चन आएगा इसमें. इसमें आपको अल्फा भी हो सकता है, अगर नहीं कर पा रहे हो तो अल्फा छोड़ देना, वेंट ऑफ फैक्टर पर तो न्यूमेरिकल कर ही लेना. ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर आ जाओ. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या करना है हमारे को, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि गैल्वेनिक सेल क्या होता है, केमिकल टू इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी कहते हैं, फिर डायगोनल सेल, वोल्टेइक सेल, ये सब कोई जरूरत नहीं है सबकी. उसके बाद बस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की रिप्रेजेंटेशन आनी चाहिए इस तरह से. इसमें सॉल्ट ब्रिज के बारे में पढ़ लेना कि सॉल्ट ब्रिज किस तरह से कब क्या क्या काम होता है, और जिंक और कॉपर का किस तरह से हम लोग सेल रिप्रेजेंटेशन किस तरह से होती है ये पढ़ना है हमारे को. उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग में ये पढ़ लेने हैं, साथ में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इसमें सिर्फ ये पूछा जाता है कि नीचे जाएंगे तो ऑक्सीडेशन पावर में क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नेचर में क्या होगा, रिएक्टिविटी में क्या फर्क पड़ेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये तो पढ़नी पड़नी है. ठीक है, उसके बाद फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन किस तरह से डिटरमाइन होती है, नर्स्ट इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए और इस पर न्यूमेरिकल एक प्रैक्टिस करना है, ये न्यूमेरिकल बेसिस के लिए है. ठीक है, उसके बाद
स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन आपकी डेल्टा जी से निकलती है, डेल्टा जी नेगेटिव होता है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है, वो है ऐसा क्राइटेरिया। उसके बाद डेल्टा जी और ईएमएफ का किस तरह से रिलेशन है, डेल्टा जी हो जाती है माइनस एनएफई, ये वाला रिलेशन पर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर जाना। और ई का जो फॉर्मुला होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के संग जो रिलेशन होता है डेल्टा जी का, 2.303 आरटी ये वाला लॉग केसी वाला ये रिलेशन होता है, ये देख लेना, ठीक है, ये वाला रिलेशन देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट आपके इसमें आ जाता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस और आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बारे में, ये देख लेना। सेल कांस्टेंट क्या के जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं सेल कांस्टेंट को, इसमें क्वेश्चन में आ जाता है इनमें से कौन सी चीज सेल कांस्टेंट को अफेक्ट करेगी, तो कोई नहीं करती है, तो सेल कांस्टेंट तभी एक कांस्टेंट है, वो एल बाय ए होता है, ठीक है। तो जब वो डिपेंड ही नहीं करता उन चीजों पर तो वो अफेक्ट ही नहीं करेंगी। उस पर मैंने क्वेश्चन भी जो है आपका कम्युनिटी पोस्ट पर डाला था कल, वो देख लेना। ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, आपका मोलर कंडक्टेंस ऑफ वीक वीक इलेक्ट्रोलाइट इन अ गिवन कॉन्सेंट्रेशन एंड फाइनल डिल्यूशन और कोलड्रॉस लॉस इन न्यूमेरिकल्स, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है, इस पर एक न्यूमेरिकल आपको देख जाएगा आपको, ये एट एन कॉन्सेंट्रेशन और ये जो होता है इक्विवेलेंट वाला, ये तो मोलर हो गया, ये इक्विवेलेंट वाला, ये दिख जाएगा आपको, इन दोनों की यूनिट ध्यान में रखना, ठीक है। फैराडे के दो लॉज हैं, दोनों के बस एक्सप्रेशंस करने हैं, और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है फर्स्ट लॉ, एम इक्वल टू जेड आई टी का क्वेश्चन आता है, ठीक है। बैटरीज में बस फ्यूल सेल इंपॉर्टेंट है, और इसमें फैक्टर्स अफेक्टिंग कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, इनमें कौन कौन से होंगे, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इसमें स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की रिप्रेजेंटेशन, हाफ सेल की रिप्रेजेंटेशन, सॉरी दोनों हाफ सेल की मतलब सेल रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद आपके जो है नेक्स्ट है इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, नर्स्ट इक्वेशन, डेल्टा जी का रिलेशन, उसके बाद इक्विवेलेंट और मोलर कंडक्टेंस, फैराडे का फर्स्ट लॉ और कोलराज लॉ, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके पूरे में। लास्ट वर्ष तक केमिकल कॉन्टेक्स्ट, तो उसमें सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ द रिएक्शन है, ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ द रिएक्शन। एक है इंस्टेंटेनियस और एवरेज रेट के बारे में, दूसरा टॉपिक। तीसरा टॉपिक है इसके इसमें मतलब आपको रेट लिखनी आनी चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है, रेट किस तरह से लिखते हैं। चौथा टॉपिक जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो है आपका ये वाला, अब ये जो है ना रेट इक्वेशन जीरो के लिए, फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए, उसके बाद हाफ लाइफ लिखना, इसके बारे में रेट कांस्टेंट के बारे में देखना इनके, और इस इनके ग्राफ्स देखना, ये सब एक ही साथ आता है। फिर ऑर्डर ऑफ मॉलिकुलरिटी इसमें इंपॉर्टेंट है, फिर एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में, और थ्रेशोल्ड एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, इन सब के बारे में। कोलिजन थ्योरी की बात करूँ तो इफेक्टिव कोलिजन के लिए फैक्टर्स जो है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद एलिमेंट्री रिएक्शन और ये सब के अंदर जो है आपका मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स ओवरऑल रिएक्शन, स्लोएस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन, रिलेशनशिप रेट एक्सप्रेशन, ये सब जो है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आर्गेनियस इक्वेशन की, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद आपका इसके अंदर स्लोप ऑफ द ग्लाब, एक्सप्लेनेशन और न्यूमेरिकल्स, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसके समरी देख लेते हैं, अब देखो इसका भी इंपॉर्टेंट देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट है। एक तो देखो इसमें आपकी फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ द रिएक्शन ये करके जानी है। उसके बाद तीनों रिएक्शन जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, इनकी एक्सप्रेशंस, इनकी इंटीग्रेटेड रिएक्ट इक्वेशन, इनके ग्राफ्स और इनके रेट कॉन्स्टेंट की वैल्यूज, ठीक है, ये सब करके जाना है। लेकिन अगर सबसे इंपॉर्टेंट पूछोगे तो फर्स्ट ऑर्डर है सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर का तो छोड़ ही नहीं सकते, जीरो और सेकंड का देख लेना, फर्स्ट मत छोड़ के जाना, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर आपके ऑर्डर ऑफ मॉलिक्युलरिटी का डिफरेंस कर जाना, उसके बाद इफेक्टिव कोलिजंस के क्राइटेरिया पर जाना, और यहाँ पे ये वाला इसे मत छोड़ के जाना, इसके न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस करके जाना। LN T2 by T1 वाला दो रेट कॉन्स्टेंट्स दिए होंगे, दो टेम्परेचर में से कोई पूछ लेगा, या एक्टिवेशन एनर्जी पूछ लेगा, या फिर आपको रेट कॉन्स्टेंट पूछ लेगा, कुछ भी पूछ लेगा, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसके, ठीक है। ये इन तीनों चैप्टर की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर।